नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? चलिए, मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मूवी अतरंगी रे मूवी के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट। स्टारिंग सारा अली खान, धनुष एंड अक्षय कुमार। डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय। रिटन बाय हिमांशु शर्मा एंड आनंद एल राय। म्यूजिक गिवन बाय AR रहमान। एंड ये मूवी जो है वो डिजनी पर हॉटस्टार पर आज ही 12 बजे प्रीमियर हुई थी, एंड जिसको मैंने अभी अभी देखकर ख़त्म किया है। एंड इस मूवी को देखने के बाद मैं सोच ही रहा था कि मैं इस मूवी के बारे में क्या कहूँ इस वीडियो में, इस रिव्यू में, बिकॉज इट्स ऐसा नहीं है कि ये मूवी कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है या फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। बट जिस तरीके की जो ये कहानी है, जो ट्रीटमेंट दिया है आनंद एल राय जी ने, वो बहुत ही एकदम हटके है। एंड इस चीज़ के लिए ना उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसी कहानी है बेसिकली, जो शायद हमारे आसपास ऐसी कहानी घटती होगी, शायद हमें पता नहीं है, पर ऐसी कहानी होती होगी। होती होगी क्या? होती ही है ऐसी कहानी। जो कहानी आनंद एल राय जी और हिमांशु शर्मा जी ने लिखी है ऐसी कहानी, तो मैं कहानी क्या है उस बारे में मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि वही मेन क्रक्स है, वही मेन प्लॉट है अतरंगी रे का। मैंने बोल दिया है तो वो कहानी पूरी आउट ऑफ दी ये हो जाएगा कि आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मूवी देखिए, आप ये मूवी देखिए, ये मूवी को एक्सपीरियंस कीजिए। इनके जो कैरेक्टर्स है ना, इनकी जो डेप्थ है, इमोशंस हैं, लाफ्टरनेस है, हर एक इमोशन जो है वो क्रिएट करते हैं डिजिटल स्क्रीन पर, वो बस महसूस कीजिए, वो बस फील कीजिए। बाकी कहानी के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं करने वाला। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको शेयर करूँगा, जो अभी शेयर कर ही रहा हूँ। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये ऐसी कहानी जो जो कंटेंट ऐसा हटके है, जो हमारे आसपास ना होता रहता है बट हमें पता नहीं चलता है। हमें पता भी चलता होगा बट हम हम थोड़े उससे दूर चले जाते कि ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती है हमारे आसपास आज भी वगैरह, ऐसा क्वेश्चन आता है। बट उसी चीज़ को लेकर आनंद एल राय जी ने मूवी बनाई थी और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एकदम रिफ्रेशिंग लगा। और एकदम टेक जो था ना उस कहानी के ऊपर बहुत ही अच्छा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहानी बहुत ही अच्छी है, सेकेंड हाफ में जाके जब हमें पता चलता है जो इंटरेस्टिंग प्लॉट है, जो क्रक्स है इस मूवी का, बेस जो प्लॉट है, जब वो खुलता है वो इंटरेस्टिंग प्लॉट, उसके बाद कहानी थोड़ी आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, थोड़ी स्लिप हो जाती है कि हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जल्दी अभी ठीक है। हमें पता है कि रिंकू सूर्यवंशी जो है, सारा अली खान, वो किस तरीके से वो लाइफ जो है, वो जो फेज है वो जा रहा है, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ऐसा लगता है। तो वो सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बोरियत फील कराता है, थोड़ा हमें बोर महसूस करता है कि क्या हो रहा है। बट उसके अलावा एट दी एंड 30 मिनट्स क्लाइमैक्स ऑफ अतरंगी रे, इट्स स्पीचलेस, इट्स जस्ट इमोशनल कर देगा आपको। मैं रोने लगा था, सच में बोल रहा हूँ, मैं रोने लगा था इसके एंडिंग को देखकर। मेरा एंडिंग जो था ना टेक इस मूवी के लिए, वो बहुत ही अलग था। मुझे लगा इस तरीके से होगा बट सरप्राइजली बहुत अलग तरीके से इसका टेक था, एंड मुझे सरप्राइज किया इस मूवी के क्लाइमेक्स ने, अतरंगी रे क्लाइमेक्स ने, जो बहुत ही अच्छा था, देखने में अच्छा लगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट सारा अली खान यार, रिंकू सूर्यवंशी। हाँ, ये फिल्म को देखने के बाद शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो सारा अली खान है वो ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है, ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है। बट हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर ऐसा है, वो कैरेक्टर जो फील करता है वो बस वो बोल देता है। तो वो जो कैरेक्टर के हिसाब से जो सारा अली खान ने प्ले किया है रिंकू सूर्यवंशी, बहुत ही अच्छा था। इमोशंस दिखाना हो, हंसना हो, छेड़ना हो,
वो जो छोटी सी छोटी चीजें, वो इमोशंस बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी वो कैरेक्टर रिंकू सूर्यवंशी में। मजा आ गया वो कैरेक्टर देख के, हंसी भी आती है और वो रोना भी आता है वो कैरेक्टर के लिए, इतना झंझोड़ के रख दिया उस कैरेक्टर ने एंडिंग में। मैं बोल रहा हूँ स्पेशली एंडिंग में रो एकदम झंझोड़ के रख दिया। सो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है सारा अली खान ने इस मूवी में। फाइनली आफ्टर लव आजकल 2 एंड कुली नंबर 1, शी इज़ बैक। रियली सैल्यूट, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सारा अली खान आपने, जो बारीकी से आपने काम किया है रिंकू सूर्यवंशी पर। धनुष के बारे में क्या कहना है यार, मतलब इज अ पावर हाउस ऑफ एक्टिंग ऐसा लगा मुझे। उनका रोना, उनका भी रोना, उनका हंसना, उनका जहाँ आंखों से प्यार दिखाना, आंखों से जज्बात दिखाना, हर एक चीज़, डांसिंग स्टाइल उनका, यूनिकनेस, एकदम पर्सनालिटी ओवरऑल झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार इट्स नेचुरल वे में वो एक्टिंग एक्टिंग नहीं कर रहे, इट्स नेचुरल थिंग, मतलब ऐसे बाय हाथ का खेल है। ऐसा था कैरेक्टर, डिफिकल्ट था बट अच्छा था। इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, जो उनका कैरेक्टर था ना विष्णु बाबू का, वो जो एक डॉक्टर है तमिलनाडु में, तो वो बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे अक्षय कुमार का कैरेक्टर भी अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड मज़ा आया, बस मैं इतना ही कहूँगा, उसके आगे मैं नहीं कह सकता क्योंकि नहीं कह सकते, बस आप देख लेना आपको पता चल जाएगा। एंड बाकी के जो कैरेक्टर्स थे इसमें, बेसिकली जो को आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। जो जो कैरेक्टर जिनको दिया गया था, मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। एंड अगर म्यूज़िक की बात करें तो हर एक गाना, चकाचक हो या फिर लिटिल लिटिल हो या फिर गर्दा सॉन्ग हो या फिर तू मेरी मोहब्बत हो या फिर तेरा रंग, हर एक चीज़, रेत जरा सी हो, हर एक गाना ना जब जब आता है तो फिल्म को आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि वो फिल्म को पीछे खींचता है, मूवी को पीछे नहीं खींचता, बोरियत फील नहीं कर रहा था, वो फिल्म के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो फिल्म का एक मूवी का एक पार्ट होता है, ऐसा लगता है हमें मूवी देखते वक्त। तो गाने भी अच्छे से इंटरेस्टिंग थे। ऑफकोर्स ए आर रहमान जी का गाने हैं तो इंटरेस्टिंग होने ही हैं। सिनेमेटोग्राफी हो हर गाने में, जिस तरीके से बारीकी से चूज़ किया हो कि इस चीज़ को यहाँ पे रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। म्यूज़िक अच्छा था, डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही अच्छी थी, हर एक गाना मतलब हर एक डायलॉग इंटरेस्टिंग था, इमोशनल था, कॉमेडी था, हंसाता है, रुलाता है, हर एक चीज़, मज़ा आ जाता है यार वो देख के सच में। एंड बाकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन जो था ना आनंद एल राय जी का, सच में मेरे को बोलना पड़ेगा कि इट्स इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने इस प्लॉट को ना हमारे सामने रखने की कोशिश की है, जो शायद आज के डायरेक्टर्स हाथ लगाने को भी ये करेंगे, दूर रहेंगे कि ऐसे कहानी को किस तरीके से हम शूट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। बट आनंद एल राय जी ने एज ए डायरेक्टर अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है एज ए डायरेक्टर, जो बारीकी से उन्होंने इस कैरेक्टर्स के ऊपर, इस कहानी के ऊपर काम किया है, देखने में अच्छा लगा मुझे। स्टार्ट टू एंड तक हम एंगेज रह पाते हैं। एंड हाँ, एक और जो कैरेक्टर है इसमें, विष्णु बाबू के फ्रेंड का रोल प्ले करता है MS, वो कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आता है वो कैरेक्टर को देखकर भी, वो फनी टच देने की कोशिश करता है। एंड ओवरऑल हाँ, जैसे मैंने कहा इसमें एक ही चीज़ जो है वो बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, इसका सेकेंड हाफ का जो शुरुआत के जो सीन्स हैं वो मुझे थोड़े रिपीटेटिव लगे, थोड़े बोरिंग से लगे, बोरियत फील कराती है ऐसा लगा। बाकी ओवरऑल ये मूवी जो है अतरंगी रे, इट्स अ नाइस एंटरटेनिंग, फैमिली के साथ आप देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप देख सकते हो, कहीं भी आप देखना है देख सकते हो। डिज्नी पे, हॉटस्टार पे ये स्ट्रीम हो चुकी है आज रात से, ठीक है। अतरंगी रे मूवी को मैं 5 में से 3.5 स्टार्स देता हूँ दोस्तों, आउट ऑफ 5, 3.5 स्टार्स फॉर अतरंगी रे मूवी,
बस अगर ये सेकेंड हाफ के थोड़े सीन्स अगर संभाल लिए होते या फिर कुछ कट डाउन कर दिया होता, सीन्स रिपीटेटिव सीन्स लग रहे थे तो इंटरेस्टिंग होता और एकदम यू कट एज होता तो ज़्यादा मज़ा आता। बाकी ओवरऑल अतरंगी रे इट्स अ नाइस मूवी, एंटरटेनिंग मूवी, आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो कुछ भी नहीं है ऐसा वल्गर सीन्स, तो आप आराम से बैठ के रिलैक्स होके आप ये मूवी इंजॉय कर सकते हैं। सो मैंने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है अतरंगी रे मूवी के बारे में, बस वो सेकेंड हाफ के कुछ सीन्स जो है शुरुआत के थोड़े बोरियत महसूस करवाते हैं, बाकी तो ओवरऑल ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आप देखोगे आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में, आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो भी नीचे लिखकर बताना, एंड ये मेरे वीडियो को रिव्यू ऑफ अतरंगी रे को शेयर करना, लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली, एंड मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।